अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं बच्चों आपके? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो हमारा चैप्टर है फॉर आवर ओन सेफ्टी। ठीक है, तो आज हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे उसमें से? जो कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स की एक्टिविटी है। ठीक है, तो चलें आज हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस मौजूद हैं। फिर आप भी क्वेश्चन सुन के फिर आप फौरन से मुझे रिप्लाई दीजिएगा कि इसका जवाब क्या बनता है, क्योंकि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ भी चुके हैं और आप इसकी कंप्लीट चैप्टर एज ए स्टोरी भी सुन चुके हैं और हम रीडिंग भी कर चुके हैं इसकी। तो चलें देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कौन से हैं। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि What is zebra crossing? Question number 1 है, What is zebra crossing? Very good. अब चलें इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर है, Zebra crossing is the way for the pedestrian to cross the road safely. This way has black and white strips for clear marking. ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड क्रॉस करने के लिए एक सेफ्टी है हमारे पास, जो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स में होती है। हमने बात भी की थी इस पे। ठीक है जी, अच्छा जी अब हम देखते हैं कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई शुड वी यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग? Why should we use zebra crossing? हमें zebra crossing क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए? इसका आंसर क्या है? Zebra crossing is a safe path for cross the road. The cars stop when people cross the road on zebra crossing. यही बात हमने की थी ना कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमारी सेफ्टी के लिए है। जब हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करते हैं तो सारी कार्स स्टॉप हो जाती हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हम देखें हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज अहमद चूजन एज अ मॉनिटर? व्हाई वाज अहमद चूजन एज अ मॉनिटर? अहमद को मॉनिटर क्यों चूज किया था पूरी क्लास ने? इसका आंसर क्या है? अहमद फॉलोज द रूल्स, सो एवरीवन वोटेड फॉर हिम एज अ मॉनिटर। यस, अहमद सारे रूल्स फॉलो करता है, इसलिए तमाम क्लास के मेंबर्स ने, स्टूडेंट्स ने उसे मॉनिटर सेलेक्ट किया था। वेरी गुड, अच्छा जी उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और रहता है, वो देखिए क्या है। वो है, राइट थ्री रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो ऑन द रोड। क्या है क्वेश्चन? राइट थ्री रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो ऑन द रोड। कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें रोड पे फॉलो करने चाहिए? रूल नंबर 1 है, वॉक ऑन द फुटपाथ। गुड, सेकेंड रूल क्या है? डोंट प्ले और रन ऑन द रोड। वेरी गुड, अच्छा जी थर्ड रूल क्या है? लुक राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन क्रॉस द रोड। इफ देयर इज नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड विद एल्डर्स। वेरी गुड, ठीक है ना कि हमें कौन कौन सी, हमें आपके पास रूल्स होते हैं। हमारे पास है कि हमें फुटपाथ पे वॉक करनी चाहिए, हमें जो है रोड पे कभी भी भागना नहीं चाहिए, और हमें हमेशा रोड क्रॉस करते हुए लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट देख के रोड क्रॉस करना चाहिए। और अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमेशा अपने किसी एल्डर के साथ रोड क्रॉस करें। ठीक है, तो आज हमने क्या काम किया? आज हमने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आप इन तमाम आंसर्स को अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में कॉपी आउट राइट डाउन करेंगे। ठीक है, इस आप रिकॉर्डिंग को, वीडियो को बार बार सुनिए और फिर इसकी मदद से आप अपने आंसर्स कॉपी डाउन कीजिए।
अच्छा जी, आज हम एक और एक्सरसाइज अपनी करेंगे और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज भी हमारे किस चैप्टर से है? चैप्टर नंबर 1 फॉर आवर ओन सेफ्टी से। वेरी गुड। अच्छा जी, उस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है? हमें जो है वो क्वेश्चंस बनाने हैं आंसर्स के। क्वेश्चन मेकिंग एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है। आपको पता है क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। किन किन अल्फाज से हमारे सवाल शुरू होते हैं? व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, डू, डज, ये सारे वर्ड्स हैं जिनसे हम अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि हमें जिन जवाब के, जिन आंसर्स के क्वेश्चंस बनाने हैं वो हैं कौन से। हमारे पास आंसर्स मौजूद हैं, हम उन आंसर्स को पढ़ेंगे और फिर उनके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए देखें कि आज हमारे पास पहला आंसर कौन सा है। अच्छा जी, हमारे पास आंसर नंबर 1 है, वी हैव टू क्रॉस द रोड फ्रॉम ज़ेब्रा क्रॉसिंग। वी हैव टू क्रॉस द रोड फ्रॉम ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और इसका क्वेश्चन हम किस वर्ड से स्टार्ट करेंगे? वेयर से। किस वर्ड से? क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? वेयर। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, वेयर फ्रॉम डू वी हैव टू क्रॉस द रोड। वेयर फ्रॉम डू वी हैव टू क्रॉस द रोड। वेरी गुड। अच्छा, अब सेकेंड आंसर देखें क्या है। चलें जी, सेकेंड आंसर लिखा है, अमजद एंड अहमद वर लेट फॉर द स्कूल बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। अमजद एंड अहमद वर लेट फॉर द स्कूल बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड है वाई, यानी हमें क्वेश्चन बनाना है वाई से स्टार्ट करना है। हमारा क्वेश्चन होगा, वाई वर अमजद एंड अहमद लेट फॉर स्कूल। Why were Amjad and Ahmed late for school? Very good. अच्छा जी, अब हम थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे और उसके लिए हमारे पास थर्ड आंसर कौन सा है? Ahmed was selected as a monitor. आंसर नंबर 3 है, Ahmed was selected as a monitor. और यहाँ पे हमें क्वेश्चन किस वर्ड से बनाना है? Who से, यानी who से हमारा सवाल स्टार्ट होगा। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, हु वॉज सेलेक्टेड एज अ मॉनिटर। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज सेलेक्टेड एज अ मॉनिटर। गुड। चलें, अब हमारा लास्ट आंसर मौजूद है, यानी 4th one। आंसर क्या है? अमजद एंड अहमद रीच्ड स्कूल एट 8 o'clock। अमजद एंड अहमद रीच्ड स्कूल एट 8 o'clock। अच्छा जी, अब जवाब तो है हमारे पास, हम सवाल क्या बनाएंगे? और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। व्हेन, यानी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे व्हेन से। चलिए हम सवाल बनाते हैं, व्हेन डिड अमजद एंड अहमद रीच स्कूल। वेरी गुड। आसान है ना सवाल बनाना। हमारा 4th question क्या है? व्हेन डिड अमजद एंड अहमद रीच स्कूल। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, यानी आज हमारे पास 4 answers थे और हमने उसके 4 questions खुद से बनाना सीखे हैं। अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी की है, आपने समझ में तो आपको आ गया होगा। अब आप इसको जो आपने सुना है, अब आप बिल्कुल अपनी नोटबुक में यही क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी करेंगे और इन तमाम क्वेश्चंस को राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।